शिवसेना हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हालात है इसकी जिम्मेदार नेशनल पीडीपी कांग्रेस है। अगर आप याद होगा एमएलए जो एनसी के एमएलए ने जो नारा दिया हाउस के अंदर पाकिस्तान के हक में जो नारा लगाया वही नारा तो कश्मीर के 10 साल के बच्चे दे रहा है। उसके खिलाफ क्यों पर्चा और उसके खिलाफ क्यों पीएससी लगाया जाता? एनसी के एमएलए के क्यों नहीं पीएससी लगाया? एनसी के खिलाफ क्यों नहीं पीएससी लगाया और एनसी के खिलाफ क्यों नहीं पर्चा लगा अभी तक? अगर याद होगा जो पीडीपी के एमएलए ने भी एक बयान दिया हाउस के बाहर, मुजाहिदीन हमारी भाई हो, क्या वो दिन याद नहीं है जिस दिन मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कश्मीर में गली कोचू में फौज तैनात किया, जो उससे आज दिन तक जो मारे गए वो क्या आपके भाई नहीं, वो किसके भाई है? आज कैसे याद आया मुजाहिदीन हमारी भाई हो? जो फारूक अब्दुल्ला ने पिछले महीने में बयान दिया कश्मीर में जो संघवाज हमारे वतन के लिए लड़ रहा है, कश्मीर संघवाज वतन के लिए लड़ रहा है, मगर जो उमर साहब ने 125 बंदे मरवाया, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ वो किस लिए लड़ रहा है? क्या वतन के लिए नहीं लड़ रहा है? इन तीनों पार्टियों ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो भी काम किया वो इन पार्टियों ने किया। मोदी जी से गुजारिश करती है इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। मोदी जी अगर इनके खिलाफ कानूनी नहीं करेगी, शिवसेना हिंदुस्तान इनके खिलाफ आवाज हर जगह उठाएगी जो जिम्मेदार मोदी जी पे होती।